परीक्षा पे चर्चा ही कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। How do you handle stress and pressure as a prime minister? आप भी बनना चाहते हैं क्या? तैयारी कर रहे हो क्या? मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूँ। दूसरा, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ भी है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ है। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें? आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक रील देखते ही गए। कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। कि बस एग्जाम तो आती रहेगी, मोदी जी को मिला था उसने कहा है सो जाओ। हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबे। दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है। टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसका सही उपयोग सीखना उतना ही अनिवार्य है। जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं, वो भी बहुत नुकसान करता है। टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है, और वही परिवर्तन लाता है।